हाय हाय, क्या नाम आपका? आप मुझे कशी वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। हम सब तैयार हो गए अभी ले सिटी एक्सप्लोर होने के लिए। पुष्पेंद्र आज मेरे रूम में आया है। पुष्पेंद्र रेडी हो रहा है, देखो एक नंबर सॉक्स वॉक्स पहन रहा है, गजब। वर्षा रेडी हो गई? नहीं, हाँ अभी मेरे बाल बनाना इसके बाल बनाना बाकी है। मैं भी अभी तैयार हो गया हूँ। ओके, अभी हम लोग बाहर जाके पहले बाइक का काम करवाने वाले हैं। बाइक में एक छोटा मोटा स्क्रू ये सब रहता है जो सब टाइट करवाना है। कल देख रहे थे कि जितना वाइब्रेट हो रहा था उतना नट बोल्ट सब लूज़ हो रहा था। सो नाउ वी विल गो टू रॉयल एनफील्ड शोरूम। जावा वाला जावा शोरूम में जाएगा एंड हम लोग वो एक दो घंटे करवा के देन वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग लेह सिटी। लेह में दो तीन स्पॉट हम लोग देखने वाले हैं, जैसे हॉल ऑफ वो शांति स्तूपा। उसके बाद हम फिर सोचेंगे कि और कहाँ कवर होगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, सबको लेके जाने में थोड़ा टाइम लगता है। रूम से निकल के अभी हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा होटल व्यू। सचिन, सचिन नीचे खड़ा है। नहीं नहीं, नीचे नहीं, ब्लॉक कर रहा है। अभी हम लोग रूम से निकल गए। ये है होटल व्यू। सचिन नीचे खड़ा है। सचिन पूछ रहा है कि अंकित रेडी हुआ है कि नहीं। पुष्पेंद्र रेडी होके सबका फोटो ले रहा है। चलो, सी यू गाइज ऑन दी बाइक। वर्षा, हम लोग अभी होटल से निकल के मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाइक का काम करवाने। बाइक का काम, वर्षा भी आई है मेरे साथ। ओ यहाँ से बस यहाँ से बाइक का थोड़ा काम करवाते हैं। काम जैसे मैं फुल टाइट करवाना है, बाइक का वो करूँगा। मैं अभी बाइक का थोड़ा काम करवाने के लिए यहाँ पहुँच गया हूँ। ये है KTM सर्विस, बट ये लोग रॉयल एनफील्ड का भी काम करते हैं। शॉप का नाम है इनलाइन फोर लो मोटर। फिलहाल तो अभी ये ब्रेक का काम कर रहे लोग। इसके बाद जो भी नट बोल्ट है ये सब टाइट कर देंगे और इधर इधर बाकी सब करना। तो मेरे बाइक का मैंने काम करवा लिया है। आपको बताता हूँ मैं क्या क्या हुआ था बाइक में। ये जो साइलेंसर का जो कनेक्टिंग नट से यहाँ पे ये सारा लूज़ हो चुका था दोनों साइलेंसरों का। तो दोनों नट टाइट किया, वो शॉप वाला बोल रहा था भाई आप कैसे आए थे। उसके बाद ये वाला भी टाइट करवाया है। एंड दिस क्रैश गार्ड वॉज टोटली आउट, मतलब ये नट दिख रहा आपको वहाँ पे दिखेगा कि थोड़ा ब्लैक है यहाँ पे। तो वो भी टाइट करवा लिया। हैंडल नकल गार्ड सब टाइट करवा लिया। नाउ आई केम टू वॉशिंग सेंटर। ये स्पीड कार वॉशिंग सेंटर है, ये ले एयरपोर्ट के रोड पे पड़ता है। यहाँ से एक व्यू देख लीजिए आप। दोज आर दी माउंटेन रेंजेस। द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो कैप। बहुत सही। अभी मैं यहाँ पे बाइक वॉश करूँगा। बाइक वॉश करने के ये है फर्स्ट पॉइंट। हम जहाँ हाय हाय, क्या नाम आपका? आप कुंजक तशी। कुंजक तशी, ओके। सिटिंग बुद्धा। और यहाँ पे ये पीछे माउंटेन रेंजेस। बाइक वॉश करवाने गया था तो अंकित का कॉल आया, बोला हम लोग को बाइक रिपेयर करने पे बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब के लिए नाश्ता खाना पीना सब लेके आया हूँ। ये देखो हम लोग सब यही खा रहे, वर्कशॉप में खा रहे सब। क्यों चाहिए वो, क्या है वो? बाइक वॉश करने के बाद चेंज लुक हो गया है।
चेंजअप हो गया मस्त। पुष्पेंद्र भाई ने जावा को हिमालयन में कन्वर्ट किया है। पुष्पेंद्र निकलने का जा सकते हैं, ये दोबारा कंपनी में नहीं जा सकते। गया था ना कंपनी में, गए होंगे वहाँ पे, वो नहीं होगा ना उनका जो हेड था। हाँ वो नहीं होगा, इसीलिए बच गया ये, इसीलिए बच गया, वरना बोलता भाई पैसे ले जा बाइक वापस जा छोड़ दे। नुकसान भी हो जाए छोड़ दिया। हम लोग भी ले पैलेस में, ले पैलेस की गैलरी में, यहाँ पे ऐसे घूमने मिलता है। यहाँ पे शायद ये बुद्धा का मूर्ति है और अलग अलग भगवान के अलग अलग स्कल्पचर्स। ये बहुत पहले वाला ले पैलेस में बाहर आने के बाद आपको ये ले सिटी का व्यू दिखेगा। दिस इज द व्यू ऑफ ले सिटी। बहुत अच्छा बनाया है यार, बीच में ग्रीनरी, ये पहाड़, दिस इज ले पैलेस। होली श्राइन इन ले पैलेस। चलो घूम लेते आए तो। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, रात में डर लगता है। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। हम लोग ले पैलेस के एकदम टॉप में हैं। टॉप में आने के बाद भाई ये है अपना व्यू। ले सिटी और ये सूखा पहाड़। अभी हम लोग शांति स्तूपा में आ गए, बाइक यहाँ पे पार्क किया है एंड वी आर हेडिंग। हम लोग ऊपर जाएंगे अभी, पुष्पेंद्र और वर्षा मेरे साथ है, बाकी लोग पीछे हैं, तो हम लोग ऊपर जाके रुकने वाले हैं इनके लिए। स्तूपा प्रीमाइसेस इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर बाइसिकल्स। ये हो गया एंट्री पास। एंट्री पास 30 rupees है अभी। 24 hours water, दिए जले हुए हैं एंड ये यहाँ से आपको दिखेगा ले सिटी। अगेन ले पैलेस से भी सेम व्यू था। ओहो ये है ले शांति स्तूपा। दिस इज फॉर मेंटेनिंग पीस across the world।
फाइनली सारे व्लॉग देखने के बाद फाइनली आई एम एट शांति स्तूपा. वर्षा एंड मी एंड वर्षा पुष्पिंदर इज ऑल्सो हियर. वर्षा फाइनली वी आर एट शांति स्तूपा एंड शांति स्तूपा के आगे यू विल सी द एंटायर ले सिटी व्यू. शायद वहाँ से हम लोग आए थे उस तरफ से एंड दिस इज टोटली ले सिटी. स्नो कैप माउंटेंस एंड दिस इज द वे टू क्लाइम अपसाइड टू शांति स्तूपा. दिस वॉज द वन. अभी हम लोग तो यहाँ पे प्रेयर्स होता है ऊपर जाके. वहाँ पे बुद्धा का स्टैचू है. सो एवरीबॉडी लीन्स डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम. शांति स्तूपा के नीचे एक रेस्टोरेंट है. उस रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर किया है. क्या ऑर्डर किया भाई? एंड पकोड़ा और चाय. हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे क्योंकि यहाँ से हमें सारा सिटी दिख रहा है. गाइस यू कैन सी. इसके बाद हम लोग लेस मार्केट जाने वाले हैं. पुष्पेंद्र बता रहा है ले सिटी के बारे में. सो आई थिंक क्या वेदर वाइज बहुत अच्छा है. वेदर यहाँ पे सुबह 6 degrees था तो काफ़ी औसम लग रहा था. अपन आफ्टरनून में इट वाज अराउंड 15 to 18. फोटोला टॉप से जब नीचे उतरे तो हमें ले में गर्मी हो रही थी. और ड्यूरिंग दैट डे मतलब बिटवीन 11 to around 3 PM इट वाज लाइक अ वेरी डिसेंट वेदर. डिसेंट काइंड ऑफ अराउंड यू कैन कंसीडर अराउंड बिटवीन 14 to 18 degrees टेम्परेचर. ठीक है अच्छा आप बताओ. इट वाज गुड. सांस फूल रही थी आपकी? नहीं. पुष्पेंद्र आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ के लोग भी अच्छे हैं. डिसेंट तरीके से बात करते हैं. अगर आप लोग देख सकते हो तो वहाँ पे लिखा है नेशन फर्स्ट विच इज अ वेरी गुड थिंग. नाउ इट्स 8:15. यहाँ पे दिन ही है और यह है ले सिटी का नाइट व्यू. फाइनली हम पहुँच चुके हैं ले मार्केट. भाई इतने दिन से देख रहे थे आज तो क्लियरली आंखों से दिख गया है. ये देखो ले मार्केट. ओ भाई फाइनली अपन ले मार्केट में. अंकित ये नाक का दरा खोलना. ठंड लग रही है सबको. हाय ले मार्केट के अंदर आई लव लद्दाख. द टॉयलेट्स की भी ये है. बहुत सही लग रहा है सब. अब यहाँ लाल लाल हो गए हैं भैया. अच्छा हेलो. मेरी वाइफ ये ले रही है गॉगल. ले रही है गॉगल. अच्छा लग रहा है. अभी वर्षा पुणे में भी सेम हाल है. लेह में आके भी सेम हाल है. शॉपिंग तो कभी तुम्हारे इससे जाता ही नहीं है. तो हमने ये सब लिया है यहाँ से. लद्दाख का है ये प्रेयर्स है. देन लद्दाख का मैप और ये एक है फाइटिंग का. ये शॉप से यहाँ पर बड़ा मार्केट है सर. तुम्हारा शॉपिंग हो गया है. अच्छा क्या लिया तुमने? मैग्नेट्स लिया है. टोपी लिया है. और मैंने एक किचन लिया है ऐसे गोल घुमाने वाला. हाँ और अभी हम लोग मार्केट से निकल के जाएंगे सीधा होटल में. अभी ठंड क्या निकली है? अच्छा टोपी बची है. हेयर कैप हेड कैप. यहाँ से अभी हम लोग सीधा होटल में जाके डिनर ऑर्डर करने वाले हैं. कल सुबह हम लोग को निकलना है हानले. हानले विच इज़ 19,000 feet अबव द सी लेवल. हमें वहाँ जाना है तो उसके लिए आज प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग. जैसे जेरी कैन लेना, पेट्रोल डालने के लिए जो फ्यूल क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल डालने के लिए जो एक छोटा ये पाइप जैसा रहता है वो लिया है. बस हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी है. सचिन ये सब सचिन अभी देख रहा है क्या खरीदूँ क्या नहीं.
बैक टू होटल। भाई हेलमेट ले ले मेरा भी। हाँ जो अभी ऊपर, अभी हम लोग वापस होटल में जाके अभी फ्रेश होके फिर यहाँ डिनर के लिए मिलने वाले हैं। अंकित भाई की हालत खराब हो गई है। जय श्री राम बोल के हानले जाने वाला है। हानले में ही रुकने वाला है और सर्किट हम कंप्लीट करने वाले हानले में। कल भी सुबह 7 बजे उठने का और 8 बजे निकलने का प्लान है कल भी। तो मैं आप लोग को कल बताऊंगा कि क्या होने वाला है। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया, पहले थोड़ा सा मतलब वो ग्लोव ये नहीं था, रेन जैकेट नहीं थे, तुमने जब पहना था अपन ने स्नैक्स के लिए रुके थे, कैरिस ने पहना था तो तब हमने नहीं पहने थे, फिर आगे जाके ठंड बढ़ने लगी फिर पहनना पड़ा, उसके लिए रुकना पड़ा, फिर ग्लव्स पहना, फिर ग्लव्स पहना। तो मतलब एक ही बार में पहनो ना, एक बार ग्लव्स पहनने के लिए बाथरूम आ रही थी हर बार, कभी कभी बाथरूम, अरे हाँ कभी कभी ठंड की वजह से, वही ना। अरे भाई 10 मिनट के बाद, अरे मैं तो हर 20 किलोमीटर चलता तो घर आ जाता था भाई। मतलब वॉशरूम तो इस हद का है भाई, एक बार वॉशरूम जाओ तो आधे घंटे बाद आओ। एक बॉटल पानी पीते हैं, 2 बॉटल निकल रहे हैं, किधर से आ रहा है पता नहीं, खून के अंदर जो पानी है वो भी निकल जाता है, शरीर का भी पानी बाहर जा रहा है दूसरे तीसरे रास्ते। पुष्पेंद्र 1 किलोमीटर में 2 बार रुका है भाई। पुष्पेंद्र बीच रोड में देखा, अरे भाई तो थोड़ा तो इतने जोर से आया कि भाई मेरा ब्लैडर फट जाए। म्यूट कर देना। अरे भाई वो चीज कंट्रोल नहीं होती है, नहीं भी करनी चाहिए। चलो आप तुम क्या बोलना चाहते हो कि सचिन को उमिंगला पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर उसको तकलीफ होती है तो? ए, मुझे नहीं भाई, मुझे क्यों करना चाहिए उसको तकलीफ हो तो भी। अगर किसी को हल्ले में जाके तकलीफ हुई तो उसने उंगली में करना ही चाहिए। अगर तकलीफ होती है हानले में, आगे नहीं जाता, पॉइंट समझा दे रहा, तो हानले में जाने का मतलब ही नहीं, इधर ही रुक जाओ। तकलीफ खाने का फायदा, बट इधर पता नहीं है ना कि उधर तकलीफ होगी, 5-6 घंटे इधर पता नहीं है ना कि उधर तकलीफ होगी, ना कि हानले में तकलीफ होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मान लो तकलीफ हो भी जाती है और तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि फिर भी कर लेंगे तो कर लेना। हां तो वो तो मैं करूंगा। हां ऑक्सीजन, 1 मिनट, ऑक्सीजन लेना है यार, ये तो मिस हो गया अपने से, तुमने लिया नहीं है ना, हमने ऑर्डर किया था घर पे उमलिंगला पास पे है। हां सचिन उमलिंगला पास पे ऑक्सीजन कैफे है, आप तुम लोगों की मुझे लगेगा उमलिंगला पास नहीं, उतना मैं वही बोल रहा हूं वहां पे ठीक है, बट वहां पे अगर जाते समय उसके पहले ही अगर कोई पास में भी ना ऑक्सीजन कैफे है, बट हां मतलब जहां पे उमलिंगला पास है वहीं पे मैं वही बोल रहा हूं, अगर ऑन द वे कहीं पे जरूरत पड़ गई तो इमरजेंसी में रहना चाहिए। वापस हम लोग डिनर करके अभी रूम में आ गए, ऊपर सब कपड़े डाले थे ये लोग ने सुखाने के लिए, सब फोल्ड करके रख रहे हैं क्योंकि कल हम लोग को सुबह सुबह निकलना है उमलिंगला और स्टे करना है हानले में। So, see you guys. Good night. अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। See you again. केक का फोटो ले भाई। पुष्पेंद्र हैप्पी बर्थडे मैन। थैंक यू भाई। दिखा रहा हूँ पुष्पेंद्र के लिए हाफ केक लिया है हमने ले में। आधी जिंदगी खत्म हो गई 32 साल में। आधा ही बचा है आधा केक लेके आ गया। अगले साल से केक और छोटा होते जाएगा, फिर एक दिन केक गायब हो जाएगा। रुक ना भाई, चल ले पहले मेरे को, धीरे धीरे केक छोटा होते जाएगा फिर केक गायब हो जाएगा। पुष्पेंद्र उम्र जा रही है, केक छोटा हो रहा है, शादी के पहले अगले साल, अगले साल बर्थडे पुष्पेंद्र केक काट, प्रताप और सचिन निकला। अरे ये थोड़ा 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 भाई, अच्छा केक है रे, ले में भी अच्छा मिलता है भाई केक। पुष्पेंद्र बर्थडे इन ले लद्दाख।